सर सोडी भाई भी बैठे हैं, थोड़ा खुश लग रहे हैं। आज आखिरी दिन है टूर्नामेंट का, सक्सेसफुली करीब 38 या 39 डे होगा के भीतर ये जो ऑल इंडिया हुआ लखनऊ में कंप्लीट हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आखिरी दिन है, फाइनल होने वाला है, बस शुरू होने वाला है। बस भगवान की दुआ से सब ठीक ठाक निपट गया, सब ठीक ठाक निपट गया, वो भी निपट जाए, वो भी निपट जाएगा। गंगा नहा ले, हमने टूर्नामेंट खत्म करा दिया जी। बाकी थोड़ी बहुत 19-21 होती है, 19-21 तो हर जगह होती है, हर टूर्नामेंट में होती है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सक्सेसफुली टूर्नामेंट कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने जो मेहनत किया, इनकी कमेटी ने, पूरी टीम ने, जो मेंबरों ने, तारीफ है काबिल। शुरू से अंत तक सही जजमेंट, रहना खाना पीना ले आना ले जाना कोई कमी नहीं। तारीफें जितनी है करना अच्छी बात नहीं है, मुँह पे कहेंगे लोग तारीफ कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो खुद ही कहेंगे बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा टूर्नामेंट। और साथ में इनका कमेटी का सही सही है। साथ में हमारे आसिफ भाई भी बैठे हैं। आसिफ भाई कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी दिन है आज, टूर्नामेंट हमारा इतना सक्सेस, जिला का तो हेलो हेलो, कारण हमारी कमेटी और इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है हमारे सोडी भाई, अजमी भाई ने दिन रात मेहनत करके, मुन्ना भाई सबने, और हसीब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, सबने बहुत अच्छा योगदान दिया, पूरी कमेटी ने, हमारी गुड्डू भाई हैं, शोराब हैं, और जितने भी मेंबर यहाँ कमेटी के, सबने बहुत अच्छा। और ये हमारे मुन्ना भाई बैठे हैं, मुन्ना भाई के पास ही था सारा काम लिखा पढ़ी का, बहुत ही लिखा पढ़ी करी, इतनी पता नहीं मुन्ना भाई ने एग्जाम में करी कि नहीं। मुन्ना भाई क्या कहना चाहेंगे, बहुत लिखा पढ़ी करी, बहुत लिखा है आपने, बड़े चार्ट बनाए हैं आपने। ये तो हमेशा करता ही आया हूं, जो करता रहूंगा। हमारे सीनियर प्लेयर भी हैं, सीनियर सिटीजन में भी हैं, और आलमबाग में बहुत बढ़िया लड़ाते भी हैं। तो मुन्ना भाई कुछ कहिए, कुछ तो आज आखिरी दिन है, आज फुर्सत मिल जाएगी, आज फुर्सत मिल जाएगी जी। एक डेढ़ महीने के उपरांत अब थोड़ा सा विश्राम का समय है, विश्राम का समय है, थोड़ा सा हम लोग विश्राम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये हमारे अंकित भाई भी खड़े हैं, अंकित भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरीके से हुआ। ये हमारे गुड्डू भाई और सौरभ भाई भी बैठे हुए हैं, कमेटी के मेंबर्स में से हैं। क्या कहना चाहेंगे गुड्डू भाई? सुन लो, उसके बाद मैंने झंडी हिलाई है बराबर, एक नंबर हुआ, दोनों लोगों का कहना एक नंबर, पतंग चली गई तुम्हारी। और ये बैठे हैं हमारे बीजेपी जीतने के बाद भगवा कलर में, अजमी भाई। तो अजमी भाई क्या कहना आज फाइनल का डे है, दाढ़ी बनवा के भाई, भाई खूब चिकने हो। हमारी जितनी भी 128 टीमें थी, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग किया, टाइम पे पतंग उड़ा के दिया, जिससे हम लोग ने अपना 40 दिन में ये टूर्नामेंट खत्म करा दिया जी। इन टीमों का योगदान की वजह से ही हम लोग 40 दिन के अंदर अपना आज फाइनल मैच करवाने जा रहे हैं। अगर कुछ टीमें ने परेशान किया, मगर बाकी टीमों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हम लोग, और कमेटी ने भी बहुत सपोर्ट किया, तेज पतंग लड़वाई हमारी कमेटी मेंबर जितने थे, हमारी कमेटी मेंबर जितने थे उनका सबसे ज्यादा योगदान था, उनके ये पे जाके बार बार पतंग लड़वाना, ये हमारे कमेटी मेंबर का योगदान की वजह से हम लोग 40 दिन के अंदर फाइनल अपना करा। हमारे प्रदीप भाई लास्ट डे में झंडी दिखाते हुए, फाइनल राउंड आ गया है, लखनऊ मूनलाइट वर्सेस स्पीड लखनऊ, और दो बढ़िया प्लेयर क्रीज में है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि ऊपर से कौन लड़ाएगा,
विक्की भाई पतंग चला रहे हैं, अब्दुल्ला भाई खड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्या होगा फाइनल के पहले पेज में, स्पीड वर्सेस मूनलाइट लखनऊ। फाइनल का ये पहला पेज है, नीचे से लड़ा रहे हैं फाइनल के पहला पेज समीर, ऊपर से सीधा गद्दा मारते हुए अब्दुल्ला, सीधा गद्दा मारते जा रहे हैं, बढ़िया पेज काट दिया है। इसी के साथ पहला पेज मूनलाइट ने फाइनल का काटा है स्पीड को, 1-0 का स्कोर हो गया दोनों के बीच में। रॉकी भाई सपोर्ट कर रहे हैं स्पीड काइट क्लब लखनऊ का, सामने है मूनलाइट काइट क्लब। रॉकी भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए ताबिश भाई पतंग चेक करवाई जा रही है, ताबिश भाई चेक कर रहे हैं कि रॉकी भाई बताए पतंग कैसी है जो लड़ाई जाएगी अगले पेज पे स्पीड लखनऊ की ओर से। तो रॉकी भाई कैसी पतंग है? अच्छा खींच रहे हैं, देखिए खींच रहे हैं रॉकी भाई। ये पतंग है, पतंग थोड़ी सी अंदर की लग रही है। तो रॉकी भाई क्या कहेंगे, अंदर की लग रही थोड़ी सी, बाहर जा रही है तो बाहर की पतंग है, काफी सपोर्ट कर रहे। क्या कहेंगे, जीत दो सेमीफाइनल में हुई है स्पीड काइट क्लब लखनऊ की, जीते चाहे हारे जी समीर हीरो बन गए, समीर हीरो बन गया इस टूर्नामेंट का फिर से, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे पेज होने जा रहा है, चलते हैं जल्दी से पेज। फ्रेंड्स काफी ऑडियंस है, सेमीफाइनल भी हो गया आज, फाइनल भी हो रहा है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन की भी जंग हो रही है। टाइगर और इंटरनेशनल प्रयागराज के बीच में काफी भीड़ है, तंबू अम्बू सब लग गया है, काफी लोग हैं, सब छाए में बैठे हैं। देखिए यहाँ काफी लोग बैठे हैं, सब छाए में बैठे हैं। पेज सही हो गया है, 1-0 का स्कोर मूनलाइट वर्सेस स्पीड लखनऊ फाइनल चल रहा है। एक पेज काटा है मूनलाइट ने स्पीड लखनऊ को, ऊपर से काटा था अब्दुल्ला ने और चांस ले ली है विक्की भाई ने, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते रहे शुरू से मूनलाइट के लिए। स्पीड के लिए ऊपर से ताबिश आए हैं, अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। बढ़िया हवा आज चली है फाइनल के डे, जबकि इससे पहले तो 3-4 दिन थे उसमें हवा 1 या 2 या 3 बजे तक आ रही थी। काफ़ी सपोर्ट मिला ऊपर वाले का भी और उसके साथ ये टूर्नामेंट सक्सेस हो गया है। आज 16 तारीख को फाइनल हो जाएगा शाम तक। कोनी करा के विक्की ने जगह ले रखी है, ताबिश भी बहुत सोच समझ के अपनी पतंग को ऊपर से चला रहे हैं। 450 मीटर की रेंज में पेज हो रहा है, कोनी करा के जगह लिए, अपनी बार ताबिश जल्दी से नहीं फान रहे, थोड़ा सोच समझ के सवर चला रहे हैं। ताबिश की पतंग थोड़ी कम, रेंज बहुत ज़्यादा है, कोनी कराते जा रहे हैं, तेज़ हाथों से जगह ले रहे हैं। विक्की की पतंग कम हो गई, अब ताबिश की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, विक्की अपनी पतंग को कम करते चले जा रहे हैं लगातार। ताबिश अपनी पतंग को उसी जगह पर रोके हैं, काफ़ी ऊंचा करके रोके हैं क्योंकि ज़्यादा ऊंचे नहीं लड़ा रहे विक्की, थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये विक्की की पतंग है और ऊपर खंभे और पेड़ आपको दिख जाएंगे। विक्की ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करा, अब कोनी करा के अपनी पतंग को चला रहे हैं। फाइनल हो रहा है, 1-0 का स्कोर चल रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया इस पेज को। धीरे धीरे ताबिश ने अपनी पतंग को उतारा, बड़ पतंग है ताबिश की, उतारते जा रहे हैं धीरे धीरे। कोनी करा के विक्की जगह लिए हैं पतंग को चमकाते हुए, कम पतंग को अपनी। सही चल रहा है, पतंगें लगभग बराबर हैं थोड़ी थोड़ी, ये सही चल रहा है, हवा भी तेज़ हो रही है। गर्दन के पास ताबिश अपनी पतंग को लेते हुए काफ़ी करीब कर लिया, ऊंचा करके विक्की ने भी मुड्ढा दिया है, अंदर की तरफ दिखाया, विक्की ने बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ ताबिश ने भी ताकत से खींच दिया है और पतंग घुसेड़ के गद्दा मारा है और पतंग ये देखिए टंकियों पे से उड़ते आ रही है, बढ़िया पे ताबिश ने काट दिया। इसी के साथ दोनों के बीच में 1-1 का स्कोर हो गया है, मूनलाइट लखनऊ वर्सेस स्पीड लखनऊ फर्स्ट पोजीशन के लिए। पेज सही हो गया है, नीचे से अपनी पतंग को ऊंचा करके दे रहे हैं ताबिश, 1-1 का स्कोर बराबर है। ताबिश ने अपनी इस पतंग से एक पेज काटा था और नीचे से चांस ले ली है, ऊपर से अब की बार आ गए हैं मूनलाइट के अब्दुल्ला। पेज सही चल रहा है, अब्दुल्ला ने ऊपर से एक पेज काटा था, फिर से अब्दुल्ला को चांस दी गई काटने के, तो गड़ौता हुआ मुंडा काफी दूर से अब्दुल्ला ने बना लिया, उसी को ताकत से भरते जा रहे हैं। नीचे से ताबिश कुछ नहीं कर रहे हैं, रोके हुए और देखे तेज झटके मारने लग गए हैं, तेज झटके मारे अब्दुल्ला मारते जा रहे और ये पेज अब्दुल्ला कट गए काफी नीचे जाके, बढ़िया पेज काट दिया ताबिश ने। इसी के साथ स्कोर स्पीड और मूनलाइट के बीच में हो गया है 2-1 का। होने वाला था मूनलाइट और स्पीड लखनऊ के बीच में, लेकिन आगे पतंग कहीं दीवार पे किसी चींटी ने पकड़ ली है, वो छोड़ नहीं रही चींटी, तो इसलिए पतंग दीवार के कोने पे ही है। अब चींटी छोड़ेगी तो पतंग निकलेगी तो लड़ाया जाएगा। ये देखिए ये पतंग लगी हुई है, एक पतंग तो आगे जो कटी थी वो है और ये जो ऊपर नाच रही ये है पतंग मूनलाइट की। तो चींटी पकड़ के खड़ी है पतंग को, जब छोड़ेगी तो पेज लड़ेगा, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नीचे से ताबिश जगह लिए हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं शहजान, अब देखते हैं क्या होगा। 2-1 का स्कोर फाइनल के मैच में स्पीड वर्सेस मूनलाइट,
दोनों ही लखनऊ की टॉप टीमों में गिनी जाती हैं और टॉप टीमों में टॉप प्लेयर्स लड़ा रहे हैं। अंदर की तरफ शहजान ने काफ़ी बड़ पतंग से कद्दा रखते हुए और नीचे से ताबी जी अपनी पतंग को चमका रहे हैं, बड़ा है ज़्यादा। शहजान भाई अपनी पतंग को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर और बाहर की तरफ चलते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा बीच में आए, गर्दन तरफ रखा, बीच में आए, अंदर की तरफ मुड्ढा बनाया, ताबीज ऊपर से, ताबीज नीचे से पतंग को चमका रहे, सीधा कद्दा मार दिया शहजान ने, मारते जा रहे। ताबीज ने डोरों पर रख लिया, फिर से खींचा, थोड़ा टाइट करा डोर, रख बल गलत है ताबीज के। अब देखेंगे कौन ये पेच काटेगा, बाहर के बल हैं, अंदर के होने चाहिए, लेकिन फिर भी ताबीज ने काट दिया और चक्कर अभी भी दिए हैं। पेज मिल गया स्पीड को, अब देखना पतंग टूटती है कि नहीं। डोर जा रही है, डोर जा रही है, टाइट नहीं कर रहे हैं ताबीज, जानते हैं कि बल गलत है, टूट सकती है, क्योंकि दोनों ने काफ़ी मिला गया। और ये देखिए जैसे ही मुड्ढा लिया पतंग टूट गई, लेकिन पेज मिल गया स्पीड को। इसी के साथ 3-1 का स्कोर हो गया है मून लाइट वर्सेस स्पीड लखनऊ के बीच में। दोनों ही टीमें इंटरनेशनल प्रयागराज और स्पीड लखनऊ एक ही तरफ खड़ी है और लगातार काटती जा रही है। और दोनों ही टीमों का जो गेम है, जो अभी पहला जो गेम था वो भी टाइगर से था, दूसरा जो गेम है वो भी टाइगर से हो रहा है। तो टोटल जो पेज हैं टाइगर काइट क्लब को, दोनों टीमों ने मिल के 12 पेज काट दिए हैं लगातार। हमारे बिंदी मामा भी खड़े हुए हैं, फोटो वोटो ले रहे हैं समीर भाई की। समीर भाई क्या कहना, कुछ कहना चाहते हैं? पेज लड़ रहा है, सब लोग मिलकर टाइगर को ही काट रहे हैं, क्या तड़ लिया है क्या? पतंगबाजी है। चलिए पेज आ गया है स्पीड का, पेज काटता है वही कटता है भाई पतंग। चलिए पेज आ गया है फाइनल का, ताबीज भाई लड़ा रहे हैं बहुत बढ़िया। 3-1 का स्कोर है स्पीड का मून लाइट से, 3-1 का स्कोर है। अजमी भाई क्रिस पे खड़े हुए हैं और विक्की भाई क्रिस को सेट करा रहे हैं, लग रहा है आपकी बार, विक्की भाई लड़ाएंगे। 3 पेज स्पीड ने मून लाइट को काट दिए हैं। विक्की भाई का परफॉर्मेंस इस मून लाइट में बहुत ही बढ़िया रहा है शुरू से, अब देखते हैं ऊपर से काट पाएंगे, स्कोर में बदलाव करेंगे कि नहीं। और नीचे से ताबीश भाई काट रहे हैं, काफ़ी भीड़ है इनके पीछे। समीर भाई देखिए बैठे हुए हैं पीछे आराम से, चरखी इन्हीं के हाथ में है, देख चरखी के ऊपर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं नीचे चरखी है। धूप बहुत तेज़ चल रही है और ताबीश भाई पतंग को लिए हैं, तो चलते हैं पेज पे देखेंगे क्या होता है। पेज सही हो गया है, ऊपर से लड़ा रहे हैं अब की बार विक्की, नीचे से लड़ा रहे हैं ताबीश। 3-1 का स्कोर, फाइनल मैच सही होने के बाद विक्की ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा कर लिया है, अंदर की तरफ अपनी पतंग को लेते हुए आए। दोनों पतंगें बराबर की रेंज में है अब की बार, अंदर की तरफ पतंग को लेते आ रहे हैं, चलाया, दोनों लोग अपनी पतंग को चला रहे हैं। ताबीश ने जल्दी जल्दी अपनी पतंग को ऊंचा कर लिया, विक्की अपनी पतंग को चला रहे हैं, ऊंचा कर लिया विक्की ने भी अपनी पतंग को, और ऊपर ऊपर करके थोड़ा सा कम कर रहे हैं दोनों ही लोग रेंज को, 400 मीटर की रेंज में ये हो रहा है। 3-1 का स्कोर है मून लाइट और स्पीड लखनऊ के बीच में। अंदर की तरफ पतंग को उतारा, फिर से उठा लिया, ताबीश ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे दिया है, लेकिन उस पर विक्की मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, बढ़िया प्लेयर हैं विक्की और ताबीश भी बढ़िया स्पीड क्लब। अंदर की तरफ मुड्ढा बनाया विक्की ने, रोका, ताबीश अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके चला रहे हैं, अंदर की तरफ मुड्ढा बनाते जा रहे हैं विक्की, रोका, चक्कर लिया, बाहर तब खींचना शुरू कर दिया विक्की ने, उसी को ताकत से भर लिया, उसी को मारते चले जा रहे हैं। ताबीश ने ढील छोड़ी, क्रॉस पर खींचना शुरू कर दिया, दोनों लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं इस पेज पे, बढ़िया पेज, ताबीश ने ढील छोड़ के चक्कर लेके क्रॉस पर खींचा है अपनी ताकत से और पेज काट दिया। इसी के साथ स्कोर 4-1 का हो गया है मून लाइट वर्सेस स्पीड लखनऊ के बीच में। भाई पतंग संभाले हुए हैं ताबीश भाई की और बड़ा खूबसूरत पेज काट दिया, काफी रोका, ढील छोड़ी, क्रॉस खींचा। समीर भाई आपने बता दिया था क्या? नहीं भाई, उसने खुद काटा, बड़ा मतलब यकीन ही नहीं हुआ ऐसा पेज ताबीश भाई ने काट दिया। अरे भाई तुमने जिंदा कर दिया बस। अच्छा जिंदा कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया पेज ताबीश ने काटा और बढ़िया स्पीड लड़ा रही है मून लाइट के खिलाफ। 4-1 का स्कोर मून लाइट और स्पीड लखनऊ के बीच में। ऊपर से शहजान भाई आए लड़ाने और नीचे से लगातार लड़ा रहे हैं ताबीश। चलते हैं पेज पे देखेंगे अब की बार कौन काटेगा। पेज सही हो गया है, बीचों बीच में मुड्ढा रख दिया है ऊपर से शहजान ने। 4-1 का स्कोर, ताबीश की पतंग काफ़ी बढ़, सीधी सीधी पतंग अपनी चला रहे हैं। शहजान ने मिलाया, निकलता हुआ मुड्ढा बना लिया, ताबीश ने क्रॉस पर दूर से ही खींचना शुरू कर दिया, दोनों लोगों ने अब ताकत बना ली, उसी को ताकत से खींचते चले आ रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं, बढ़िया पेज। अब की बार शहजान ने काफ़ी ताकत लगा के ताबीश को काट दिया। इसी के साथ स्कोर हो गया है 4-2 का मून लाइट वर्सेस स्पीड लखनऊ के बीच में फाइनल में। ऊपर से लाने के लिए आए आलोक, चरखी दिखा रहे हैं तारुफ और नीचे से लड़ा रहे हैं विक्की भाई, बढ़िया पे लड़ा रहे हैं मूनलाइट के लिए। चलते हैं पेज पे देखेंगे कौन काटेगा, हाथ चला रहे हैं। पेज सही हो गया है, कोनी करा के नीचे से विक्की ने जगह ले ली, ऊपर से अपनी पतंग को चलाते हुए आलोक स्पीड काइट क्लब के मेंबर। मूनलाइट वर्सेस लखनऊ वर्सेस लखनऊ ये फाइनल का टूर्नामेंट हो रहा है। दोनों पतंगे
थोड़ी सी बढ़ है आलोक की पतंग, अपनी पतंग को चमकाया आलोक ने, निकलता हुआ गद्दा बना लिया, काफी बढ़ पतंग से विकी ने दिखाया भागता ताकत से खींचने से, आलोक ने ताकत से मारा पतंग सीधी होती जा रही है आलोक की भी, दोनों लोग ताकत से खींचने, बढ़िया पेच काट दिया आलोक को विकी ने। इसी के साथ 4-3 का स्कोर हो गया है मूनलाइट वर्सेस स्पीड लखनऊ के बीच में, 4-3 का स्कोर स्पीड और मूनलाइट लखनऊ के बीच में। टोपी अपनी तिरछी करते हुए समीर लड़ाएंगे अब की बार ऊपर से और चरखी दिखा रहे हैं आलोक, और नीचे से बने हुए हैं हमारे विक्की भाई, ये देख सकते हैं क्रीज अपनी सही करा रहे हैं, सेट करा रहे हैं किस तरह से खड़ा होना, और साथ में है दूसरी तरफ ताबिश भी मदद कर रहे हैं दूसरी टीम की क्रीज को सेट कराने में, क्योंकि लखनऊ वर्सेस लखनऊ है तो कोई ज़्यादा ऐसा वो टेंशन नहीं है, जो जीत जाए कब आप लखनऊ का लखनऊ में ही रहेगा। विक्की भाई लड़ाएंगे जो ग्रीन टी शर्ट पहने हैं, चलते हैं पेच पे। 4-3 का स्कोर, नीचे से विक्की अपनी पतंग को लेते हुए ऊपर से आपकी बार लड़ा रहे हैं स्पीड के समीर, कोनी कराते जा रहे हैं ऊपर से अपनी पतंग को चला रहे हैं, दोनों पतंगे बराबर, पेच सही हो गया, अब देखते हैं कौन काटेगा, क्या मूनलाइट के प्लेयर विक्की 4-4 बराबर कर देंगे स्कोर, या स्पीड के समीर एक पेच से और आगे बढ़त दिलाएंगे अपने स्पीड काइट क्लब को। खड़ोता हुआ मुड्डा काफ़ी दूर से समीर ने बनाया, पट पे खींच लिया विक्की ने, नीचे से अपनी पतंग को चमका रहे हैं और चलाते चलाते तेज़ हाथों से अपनी जो पतंग की रेंज है वो समीर की पतंग से कम कर ले रहे हैं। समीर भी अपनी पतंग को ऊंचा करके उठाए हैं और धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, दोनों ही बढ़िया चकड़ प्लेयर लड़ा रहे हैं आमने सामने, एक मूनलाइट की तरफ से और एक स्पीड लखनऊ की तरफ से। देखने वाला पेज होगा दोनों के बीच में, सीधा मुड्ढा अंदर तक रखा, ऊंचा करके विक्की ने मुड्ढा दिया, चमकाया, दोनों लोगों ने करीब करके अपनी पतंग को चमकाया, सीधा मार दिया, समीर ने ताकत से क्रॉस पट खींचा, इतने झटके मारे लेकिन काट काट नहीं हुई, रेंज बहुत कम हो गई है, बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, मुड्ढा फेर रहे हैं स्पीड के समीर और मूनलाइट के विक्की। देखने वाला पेज, पेज कैंसिल, दोबारा से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समीर ने अपनी पतंग को फिर से ऊपर से रखा, नीचे से विक्की ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, कैंसिल होने के बाद से दोबारा सही हो चुका है पेज, कोनी करा के जगह लिए हुए हैं नीचे से विक्की, समीर अपनी पतंग को उठाए, दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर एक दूसरे के सामने, इतना चमका रहे हैं पतंगों को कि पूछिए मत, देखना है क्या होगा। कोनी करा के विक्की जगह लेते चले जा रहे हैं, समीर भी अपनी पतंग की रेंज को कम कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं दे रहे हैं विक्की को, क्योंकि पता है विक्की कम करा के खींच लेते हैं, गर्दन की तरफ समीर अपनी पतंग को लगाए हैं, करीब काफ़ी करीब करा विक्की ने अपनी पतंग को बाहर तरफ दिखाया, गड़ौता मुड्डा समीर ने बना लिया, सीधा मुड्डा गड़ौता हुआ भाग दम मारा, विक्की ने भी ताकत से खड़ा किया, दोनों लोग ताकत से खींच रहे, रोका विक्की ने लेकिन कट गए पे, समीर ने गड़ौता हुआ मुड्डा कंटिन्यू मारते हुए काट दिया विक्की को, स्कोर 5-3 का मूनलाइट लखनऊ और स्पीड लखनऊ के बीच में, 5-3 का स्कोर। नीचे से आ गए समीर, चरखी दिखा रहे हैं आलोक और एम्पायरिंग कर रहे हैं क्रिस की प्रदीप भाई, जो कि गुलाब काइट क्लब के कैप्टन और मेंबर हैं, बढ़िया पतंग लड़ाते हैं, और अपनी क्रिस को संभालते हुए मूनलाइट के मेंबर शहजान भाई, और चरखी दिखाने के लिए दिलशाद भाई खड़े हुए हैं, ताबिश भाई क्रिस एम्पायरिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई आउट ना हो जाए, शब्बू भाई भी खड़े हैं, सभी प्लेयर्स एक से एक यहाँ पे आज इस फाइनल डे में हैं। यहाँ चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा और कैसे लड़ेगा ये पेज, जो कि है 5-3 के स्कोर पे, फाइनल का दिन मूनलाइट वर्सेस स्पीड के बीच में। फ्रेंड्स देख लीजिए गेम देखने के लिए कितनी भीड़ है, समीर की फाइनल डे भी है, तेज़ धूप है, उसके बाद भी देखिए हर एक आदमी धूप में कितने आराम से बैठा है, जैसे लग रहा है कि बारिश हो रही हो, ठंडे में बैठा हुआ है, सब के सब आदमी धूप में बैठे हैं, खड़े हैं, गाड़ियाँ लगाए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये है पतंगबाजी, जिसके शौक़ के लिए धूप में आदमी ऐसे खड़ा है, अभी घर का काम कह दिया जाए तो आदमी घर के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए पतंग का गेम देखने के लिए देखिए कितने आराम से बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है एसी लगा हुआ है, काफ़ी भीड़, बहुत सी गाड़ियाँ हैं, कुछ हैं जिनको गर्मी लग रही है, वो देखिए ये पेड़ के आड़ में छुपे हुए हैं, बहुत लोग हैं इस फाइनल में, और ये हमारे DLD के मेंबर खड़े हुए हैं, जूम करके दिखा रहे हैं इसलिए चेहरा में इनके घुसा जा रहा है कैमरा, बहुत लोग हैं यहाँ, ये हमारे शाहबाज भाई फाइनल बनाने के लिए आए हैं इस ग्राउंड के ऊपर, इनका खुद का काइट फ्लाइंग का चैनल है, बरेली के हैं ये। पेज सही हो गया है, नीचे से अब की बार फिर से आ गए हैं आप लोगों के चहेते प्लेयर समीर भाई स्पीड काइट क्लब के, और ऊपर से हैं लखनऊ के धुरंधर प्लेयर शहजान, क्योंकि बहुत तेज़ खींचते हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, हाइट भी बहुत बढ़िया है शहजान भाई की, मिलिट्री में अप्लाई करते तो तुरंत हो जाता। अंदर की तरफ तेज़ हाथों से मुड्ढा रखा, समीर ने अपनी पतंग को चमकाया, गड़ौता मुड्ढा शहजान ने बना लिया, समीर ने भी बाहर ताकत से खींचा, दोनों लोग अपनी ताकत आजमा रहे, बढ़िया पे समीर ने अपनी ताकत से शहजान भाई को काट दिया, इसी के साथ 6-3 का स्कोर हो गया है स्पीड लखनऊ और मूनलाइट लखनऊ के बीच में। कोनी करा के नीचे से समीर ने जगह ले ली हो, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही है, अंदर की तरफ फिर से जगह लेते हुए मूनलाइट की ओर से लड़ा रहे हैं अब्दुल्ला,
काफी ऊंचा करके समीर मुड्ढा दे रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा अब की बार अब्दुल्ला पेज लड़ाने में स्पीड के खिलाफ। कोनी करा के जगह ले रखी है समीर ने, कन्ने की तरफ अपनी पतंग को लेते हुए आ रहे अब्दुल्ला, गर्दन घेरते हुए रोका मिलाया वापस से और ज़्यादा कन्ने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऊँचा करके समीर ने मुड्ढा लिया, अंदर की तरफ अपनी पतंग को धीरे धीरे उतार रहे हैं। समीर ने बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका, डोर छोड़ दी, अंदर की तरफ धीरे धीरे उतरे, घड़ोता मुड्ढा मार लिया अब्दुल्ला ने, तेते झटके मार दिया समीर ने क्रॉस पट की ओर, लेकिन अब्दुल्ला भी तेते झटके मार रहे हैं लेकिन कट गए। बहुत ही गजब का पेज दोनों के बीच में झटकते हुए थपकियों में हुआ, जिसमें समीर ने काट दिया और 7-3 का स्कोर दोनों के बीच में, 7-3 का स्कोर। स्पीड लखनऊ और मून लाइट लखनऊ के बीच में क्रिस पे हैं, अपने जूते वूते उतार के खड़े तैयारी लेते हुए समीर, और चरखी लेके बड़े आराम से फुर्सत में बैठे हैं लोग, जैसे लग रहा है कि पिकनिक पे आए हैं, और साथ में बातें कर रहे हैं क्रिस एम्पायर से, जो कि हैं प्रदीप भाई गुलाब के कैप्टन और मेंबर, बहुत ही सुकून से बैठे हैं। अभी क्योंकि पेस सही नहीं हुआ है, और दूसरी साइड पर देखिए क्रिस पे आते हुए मूनलाइट के मेंबर शहजान भाई, चरखी दिखाएंगे अब की बार शशांक भाई, जो कि ऊपर से बहुत बढ़िया लड़ाते थे, लेकिन पेज है शहजान भाई के हाथ में और थोड़ा क्रीज में फटाव करा रहे हैं, उसके बाद लड़ाएंगे ऊपर से। चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा और क्या स्कोर होगा और क्या टक्कर और होगी अभी मूनलाइट और स्पीड लखनऊ के बीच में या नहीं। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए शहजान, पेज सही हो गया, सीटी बच गई, 7-3 का स्कोर है, स्पीड ने 7 काट दिए हैं मूनलाइट लखनऊ को। शहजान भाई ऊपर लड़ा रहे हैं, अपनी पतंग को काफ़ी बढ़ दिए हैं, समीर ने ऊपर से खींचना शुरू कर दिया, काफ़ी ऊंचा कर लिया, पतंग को चमकाते जा रहे हैं। शहजान ने वहीं से गद्दा मारा, पतंग बाहर की है, गद्दा मार रहे हैं तो अंदर की तरफ आ रही है, देख सकते हैं काफ़ी मिला के धीरे धीरे अपनी पतंग उतार रहे हैं, लेकिन बढ़ बहुत है शहजान भाई की पतंग। समीर ने अपनी पतंग को चमकाया, अभी भी चमका रहे, अभी भी चमका रहे, ताकत से खींचना शुरू कर, अंदर की तरफ पतंग आ रही है शहजान की, लेकिन कट गए। बढ़िया पेज ताकत से सलग बाहर खींच के ये पेज समीर ने काट दिया, 8-3 का स्कोर हो गया है इस टूर्नामेंट में, जो कि फाइनल का चल रहा था मूनलाइट लखनऊ वर्सेस स्पीड लखनऊ के बीच में। अब सिर्फ एक पेज की दूरी है स्पीड के लिए, इस ऑल इंडिया को जीतने के लिए। तो आलोक भाई आ गए हैं चरखी दिखाने के लिए समीर की, और एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि टूर्नामेंट लड़ते लड़ते कौन कितना काला हो गया है, अपने हाथ की आस्तीन दिखाते हुए। तो समीर भाई आ गए, हंस रहे हैं थोड़ा सा, क्रिस पे आ गए हैं, और दूसरी साइड से अपना आखिरी पेज लड़ाने के लिए आए विक्की। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, तैयारी लेते हुए समीर भाई स्पीड क्लब के लिए आखिरी पेज लड़ाएंगे, और काट दिया तो जीत जाएगा स्पीड काइट क्लब मूनलाइट लखनऊ से, और कट गया तो और पेज होंगे अभी मूनलाइट और स्पीड लखनऊ के बीच में। दूसरी साइड में मूनलाइट के बढ़िया प्लेयर, जिनका शुरू से लेकर आखिरी तक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, विक्की भाई, ये देखिए हाथ चला रहे हैं ग्रीन टी शर्ट में, चरखी दिखा रहे हैं शहजान भाई। अब देखते हैं क्या एक पतंग से जिस तरह से समीर ने जीत दिलाई थी टाइगर से, क्या विक्की भाई जीत दिला पाएंगे अपने मूनलाइट काइट क्लब को फाइनल में स्पीड से कि नहीं। चलते हैं पेज पे, होने वाला एक मज़ेदार पेज। पेज सही हो गया, आखिरी पेज है, अगर काट दिया स्पीड ने 8-3 का स्कोर। नीचे से लड़ा रहे हैं समीर, ऊपर से लड़ा रहे हैं विक्की, बरेली के मेंबर, जो कि मूनलाइट की ओर से लड़ाया और बढ़िया लड़ाया। अब देखते हैं क्या जीत दिला पाएंगे और पेज काटेंगे मूनलाइट के लिए, या फिर समीर अब की बार काट के अपनी टीम को फिर से बना देंगे एक बार ऑल इंडिया काइट प्लेयर के चैम्पियन। समीर ने काफ़ी चमका के ऊपर की तरफ मुड्ढा दिया, काफ़ी कॉन्फिडेंस में अपना पेज लड़ा रहे हैं, और ऊपर से हैं विक्की, थोड़ा गर्दन की तरफ अपनी पतंग को लेके आए हैं, अंदर की तरफ मुड्ढा गिराया विक्की ने, काफ़ी रेंज में पेज हो रहा है, समीर अपनी पतंग को चमकाते जा रहे हैं और अंदर की तरफ ही कोनी कराए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो पेज है अब की बात 450 की रेंज में हो रहा होगा। काफ़ी ऊंचा करके समीर मुड्ढा दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा दर्शक है, जैसे ही पेज होगा हम आपको दिखाएंगे, सब खड़े हैं गोदी में लेने के लिए समीर को, ऊंचा करके मुड्ढा दे दिया समीर ने अपनी पतंग को, तेज तेज चमकाया। गड़ोता हुआ मुड्ढा मारा, थोड़ा कोनी करा के जगह ले ली है, जगह ले रखी है नीचे से समीर ने, ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को टहलाते हुए विक्की, मूनलाइट के मेंबर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन समीर नीचे से काफ़ी कॉन्फिडेंस में अपनी पतंग को चमकाते जा रहे हैं, देख सकते कितना चमका रहे हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं विक्की की ओर से, चलाते चलाते धीरे धीरे विक्की ने अपनी पतंग को कम कर लिया है, थोड़ा सा कम करके गद्दा मारने के मूड में है, लेकिन समीर अपनी पतंग को बढ़ करके ही लड़ाते हैं, गर्दन के पास हैं विक्की अपनी पतंग को लिए हुए,
जमशेद सिंधवा मधुर प्रकाश श्रीवास्तव ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट 2022 लखनऊ में हुआ, उसका आज का दिन का ये आखिरी पेज होगा, इस टूर्नामेंट का आखिरी पेज होगा, जो कि एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 38 या 39 डेज में ये पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। आखिरी पेज, दोनों की धड़कनें तेज़, खासकर मूनलाइट की, क्योंकि उनके लिए आखिरी पेज है। पतंग की रेंज कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे, विक्की कुछ प्लान करके रखा है कि करीब करके गद्दा बना के मारेंगे। समीर ने काफ़ी ऊंचा करके मुठा दे दिया, देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया, लेकिन विक्की ने अपनी पतंग को बचाया और ऊंचा कर लिया। 2 मिनट से ज़्यादा हो गया इस पेज को, लेकिन कोई काट काट नहीं। विक्की अपनी पतंग को धीरे धीरे लेते हुए अंदर की तरफ ही तेज़ हाथों से उतरते जा रहे हैं और रेंज को कम करते जा रहे हैं, काफ़ी कम कर लिया। समीर की पतंग कम से कम होगी 50 फुट आगे, चमकाया विक्की ने, वापस से अंदर की तरफ दिखाया, कोनी करा के जगह लिए हुए हैं। नीचे से समीर अपनी हवा में सीधे पतंग रोके हैं और ऊपर से टेढ़ा करते चले जा रहे हैं, अंदर की तरफ मुट्ठा रखते चले जा रहे हैं। विक्की मूनलाइट के मेंबर बहुत ही सोच समझ कर लाना चाह रहे हैं अपना आखिरी पेज। 4.5 मिनट का अब तक का इस ऑल इंडिया में जो सबसे बड़ा पेज हुआ वो था सिमी भाई और इस सेमीफाइनल में जो आखिरी पेज लड़ा, समीर के बीच में गड़ौता मुड्ढा बना लिया, काफ़ी करीब करके बना लिया, फिर से गड़ौता मारा और देखिए जैसे ही समीर ने पलटना चाहा कट गए, बढ़िया पेज विक्की ने काटा है। इसी के साथ 8-4 का स्कोर दोनों के बीच में, 8-4 का स्कोर। नीचे से विक्की, ऊपर से आलोक, सीधा गद्दा काफ़ी दूर से बनाया, रोका, गड़ौता मुड्ढा बनाया, विक्की अपनी पतंग को चमकाया, गड़ौता मुड्ढा बना लिया, भागदा विक्की ने खींचा ताकत से, आलोक ने भी गद्दा मारा, बढ़िया पेज काट दिया आलोक ने, गद्दा मार के और जिता दिया अपने स्पीड काइट क्लब को। ये देखिए हिंदुस्तान के फूल भाई, फैसल भाई, गुमटी के सब आए हैं यहाँ पे, एक के प्लेयर आए हैं। ये हमारे थर्ड प्लेस होल्डर हैं इंटरनेशनल प्रयागराज के, हासिफ भाई, शब्बू भाई, कहाँ गए वकील भाई? वकील भाई गए, बहुत ही खुशी में सब शामिल है। और देखिए गोदी में उठा के ले गए हैं ताबिश और समीर को। आलोक को भी उठा लिया गया है गोदी में, तीनों प्लेयर को गोदी में उठा लिया गया है। ये रहा हमारे वकील भाई, थर्ड पोजीशन के होल्डर इस टूर्नामेंट में, हम दग रहे हैं लगातार। देखिए लगातार बम दगाए जा रहे हैं स्पीड काइट क्लब की जीत की खुशी में। ये देखिए बम लगा है, देखिए उधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, हर तरफ कई बम लगा दिए गए हैं, दगाए जा रहे हैं। ये शिबू भाई हिंदुस्तान काइट क्लब के, आपके बैग के पास आए, इनका सम्मान कर रहे हैं। ये गुड्डू भाई को स्मृति चिन्ह देखे, स्मृति चिन्ह हमारे गुड्डू सर, गुड्डू भाई को हमारे चीफ गेस्ट हैं। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट, बहुत सारी भीड़, हजार डेढ़ हजार हमारे राजन त्रिपाठी जी, खुशी की बात है ये आयोजन जो राजन त्रिपाठी जी कंप्लीट होता है। गुड्डू भाई ने लगी बात में सर पे कंधे पे हाथ रखा, हमारी तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। तुम लोग बाहर चलो, पहले इन लोगों को सम्मानित किया, और सर ने स्मृति चिन्ह दे के हमारे साथ को सम्मानित किया। भाई तालियां बजाते रहिए, ये लोग हैं, तालियां बजाते रहिए। बुड्ढे भाई को स्मृति चिन्ह दे के, जंदी भाई ने भी हमारे सर को चिन्ह दिया, जंदी भाई, कुणाल भाई, आसिफ भाई, हमारे डंपी भाई को देखे, इधर देखते हो, इधर और डंपी भाई को, राजू भाई, तालियां बजाते रहिए भैया, तालियां बजाइए, डंपी भाई ने सम्मानित किया, राजू भाई, ये दूसरा मिला, इसलिए ना भी जाए,
और ये काइट जोन के हमारे जिशान भाई को सम्मानित किया गया। एक एक पेज इनके चैनल पे आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया है जिशान ने, पूरे टाइम यहाँ लगा रहा, बहुत बहुत मेहनत की भैया को। चौरसिया सर को सम्मानित किया गया है यहाँ पे। कोई कोई पेज देखने आए या ना आए, पिछले 50-60-70 सालों से सारा एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, उस्ताद से भी ज्यादा इनको जानकारी है मुझे लगता है। लाल साहब को दिया तालियां बजाओ भाई, तालियां। नीरज भाई की तरफ से अवार्ड, एसोसिएशन की तरफ से बहुत इंपायरिंग करी लाल भाई ने। ये वही तेंदुआ है जो भागा था, ये वही तेंदुआ है, तालियां बजाओ भाई। ये हमारे बाबा सही तरफ पूरा है, इस तरफ देख रहे हैं। शिमी 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 भैया को भी सम्मानित किया जा रहा है। एक कोदान भी जो भाई घर गाइड क्लब है सामने, चल भाई भाई को बहुत निशान हासिल किया है ऑल इंडिया में। और ये देखिए गर्मियों में चाल उड़ाई जा रही है, निकाल देने वाले हमारे शिमी भाई का स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी कमेंट्री की इन्होंने और हम सबको बहुत खुशी है इन्होंने कितनी समय दिया। और ये इन्हें मिलेगा देखने को, और ये ये निहाल मोटे को, निहाल मोटे को एक ट्रॉफी जबरदस्ती का अवार्ड देते हुए हमें निहाल भाई। विक्की भाई, विक्की जी आए हुए, विक्की सर को सम्मानित कर रहे हैं हमारे गुड्डे सर, और शॉल पहना रहे हैं हमारे, एक बार फिर से पूरा का पूरा स्टॉक ले आए हैं इस बार लग रहा है। नीरज भैया, साजिद भाई हमारे, साजिद भाई, राशिद भाई को, राशिद भाई हमारे फायदा लगे, साजिद भाई को तालियां बजाओ भाई। संजय कन्हैया, आपको भी सर को सम्मानित तालियां बजाओ भाई। और हमारे गुड्डे भाई पन्नी देते हुए संजय सर को, ये देखिए बहुत बढ़िया, हमारे यशपाल जी को सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, हमारे आए वो टूम की बात सारे से लगातार शॉल निकल, पहले मेडल मिला है अब शॉल मिली है। हमारे ठेकेदार साहब पतंग खींच के दूसरी तार में फंसवा के जुड़वा देते हैं, ठेकेदार हरीश भाई को शॉल और सम्मान। क्रिस इंपायरिंग बहुत करी हरीश भाई ने, मोहित भाई हमारे कुणाल भाई को सम्मानित देते हुए, हमारे मोहित भाई की तरफ से ये हमारे गुड्डे भाई विक्की को जो कि अंकित टाइप नंबर लगाते हैं सम्मानित करते हुए, शॉल के साथ पन्नी भी दी उनको। हाय गैपु भाई, स्पीड बैट क्लब के मेंबर, हमारे गुड्डे सर बिल्कुल, ये देखिए बहुत खतरनाक प्लेयर है, लबक लिया ये और चाहिए, ये रखिए कितने भी सामान हमारे रखे, ये लो
5,000 रुपए और शॉल। ये इन्होंने हम लोग के लिए बहुत मेहनत करी है, हमारा कोई भी सामान छूट जाता था तो ये लग लिखती थी और जितना भी कभी भी सामान रखा था इनके घर पे रखा जाता था। बहुत इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत मदद करी हम लोग के लिए और 3 दिन पूरे बहुत मदद करी है। अभी भी लाइट भी हमारी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का कमेटी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। इसका वो भी है, ट्रॉफी भी है। इसने सुबह 9 बजे आके यहाँ कुर्सी लगा देता था, मेरे को सबसे बेस्ट सपोर्टर है। हम लोग इसने किया पूरा टूर्नामेंट इसकी तरफ से, इसने बहुत मदद की है हम लोग की। और ये घुमा के लिया है माँ विक्की भाई ने, गुड्डे भाई से। ए जवान भाई को सम्मानित किया जा रहा है, हमारे विक्की भाई नहीं नहीं वो पहले तो बता रहे हमारे नसीब भाई ने दिया है, सम्मानित किया जा रहा है लोगों को। हार पहनाया और ये अवार्ड दे रहे हैं हमारे, देखिए प्यार है। केस 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 ले लो और उस्ताद अब शॉल निकालेंगे, महंगा शॉल है और पन्नी देंगे शॉल रख लेंगे, पन्नी देंगे शॉल रख लेंगे। ये हमारे एल के सी ओ के सचिव है, वाइस प्रेसिडेंट है असीम भाई, एक एक बंदे का शुक्रिया जिसने यहाँ पे मदद की। और ये अब अवार्ड जा रहा है हमारे सोनी भाई को, सम्मानित है सोनी भैया और वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर है ये लखनऊ। ये मेरी पूरी कमेटी की मेहनत है, बिल्कुल इस टूर्नामेंट को जो सक्सेस बनाने के पूरी कमेटी का श्रेय जाता है। इतने लोग हैं यहाँ, इतने लोग यहाँ आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई ने भी पूरी मेहनत की है टूर्नामेंट में, मुन्ना सर पूरा स्कोरिंग पे ध्यान रख रहे थे, लगातार स्कोरिंग की है, शानदार स्कोरिंग की है। तालियां बजाएं मुन्ना भाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। असीम भाई को भी मैं सम्मानित करना चाहूंगा, टूर्नामेंट के भाई लिखे जो भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एलके सीओ के, असीम सर को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे पेज काटे, जो इनकी हिम्मत को हौसला को हम तारीफ करते हैं कि आगे भी इस तरह ये हौसले से लड़ाए और मेहनत करें, ठीक है। स्मृति चिन्ह जा रहा है हमारे राजन सर को और दे रहे हैं हमारे रॉकी भाई उस्ताद और हसी भाई हैं पीछे, बहुत सारे लोग हैं। लाइट हो गई बस अभी पहुंचे, बिल्कुल अभी अभी भाग के आ रहे हैं सर, मून लाइट क्या थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी जगह भाई बाहर आ जाए वो सही मारे ये और विक्की भाई का सम्मानित किया जा रहा है। विक्की भाई हमारे पप्पू भाई बहुत खुश है, ये रनर अप रही, रनर अप रही, बहुत ही बढ़िया लड़ाया टीम, लेकिन बहुत ही धाकड़ पे लड़ा के और इसी वजह से लखनऊ का क्लब रहा लखनऊ में। अब्दुल्ला भाई लाई बड़ी बड़ी लाई, ये हमारे श्री बालाजी काइट सेंटर की तरफ से इनको पुरस्कार नजारा चालक के बालाजी काइट सेंटर की तरफ से आपके लिए ट्रॉफी दुआ बालाजी 1100 रुपए दिए जा रहे प्लेयर्स को, छोटा सा कप देते हुए चारों प्लेयर को, लेकिन वेट बहुत है कप में, बड़ा वजन छोटा का उसको देना, कौन बचाए लंबी गोली कैसे देखे, छोटा का बड़ा वजन लंबी लंबी भाई
भाई बाकी लोग पीछे हो जाइए। गुड्डू भाई इनको हार पहना के इनका स्वागत करिए। ये हमारी टीम फाइनल फाइनल उठाने वाली है। छोटी भाई उठा लिया है, उठा लिया फाइनल उठाने वाली है। ये हमारे श्री बालाजी काइट क्लब की तरफ से 2100 रुपए का इनाम चारों मेंबरों को दिया जा रहा है। ये सब लोग काइट जोन वाले को दे देंगे। गुड्डू भाई ये छोटी सी ट्रॉफी, ये तो अभी छोटी है, इसके बाद बड़ी भी देंगे अभी हम आपको। डरिए मत आप लोग, भैया पुरस्कार दीजिए जिसके लिए। पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार। अरे और ये ताबिश की शादी हो गई, शादी हो गई, ताबिश की शादी हो गई। भैया ताबिश कबूल है और हेलो भाई कबूल है, हेलो भाई कबूल है। एक से एक दोरे लड़ गई और एक से एक नायाब पतंगे लड़ गई, जो कि मिलना ही मुश्किल है इस टूर्नामेंट में, जो कि लखनऊ में हुआ जमशेद सिंधवा जी के नाम से। रीले ऐसी थी, मांझे ऐसे थे कि छूने पे उंगलियां कटी जा रही थी, लेकिन आखिर में जीतती सिर्फ एक ही टीम है। तो कहीं ना कहीं रोल होता है प्लेयर्स का, अच्छा पे लड़ाने का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रील पे भरोसा करते हैं वो ये जान लें, रील से सब कुछ नहीं होता, मायने रखता है कि कौन सामने लड़ा रहा है। अगर प्लेयर का पेज अच्छा है तो कोई भी कितनी भी अच्छी रील बांधे हो, जो प्लेयर अच्छा लड़ाएगा वही काटेगा और जीत का हकदार होगा, जिस तरह से आज लखनऊ की ये टीम फर्स्ट प्राइज जीती है। अगर रील का इम्पोर्टेंट इतना होता तो आज तक जितने भी ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट हुए होते हैं वो सारे के सारे जाते बरेली में, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्लेयर पे ज़्यादा भरोसा होता है, कौन प्लेयर कैसा अच्छा लड़ाता है, और ये दूसरी बार हुआ है। तो ये साबित कर दिया है स्पीड काइट क्लब ने कि वो ऑल इंडिया 2021 के विनर थे और 2022 के भी विनर बने, जिस तरह से सेमीफाइनल और फाइनल उन्होंने उठाया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो स्पीड काइट क्लब लखनऊ को। और ये शॉल हमारे गुड्डू सर की तरफ से असीफ भाई को गिफ्ट होती हुई सम्मानित की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद जो आपने। और आखिरकार ये ऑल इंडिया सफल हो गया है। दिल से अच्छा लगा कि मैं यहाँ आने वाला पहले ही बोल दिया रहा हूँ। ऐसा टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट में जाता हूँ, लेकिन जो ये टूर्नामेंट आप लोगों ने उन्होंने जो किया, भाई साहब ने जो काम किया उससे मैं बहुत, ये तो आपका मतलब आप लोगों ने हमको जीत के बना दिया, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया। हमारे जो जिन्हें मेहनत की या हमारे गुंगे साहब है बोल नहीं सकते हैं, हमारे कैश इनाम है, टी शर्ट है, पैंट शर्ट का कपड़ा है, बहुत बढ़िया शाल है। सम्मानित किया गया हमारे रिजवान भाई, ये इतने कर्मठ ऐसे कार्य करता है जब भयंकर जाड़ा कूदा पड़ता है। मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी आप प्लेयर्स का वीडियो देख रहे थे, जो खींच रहे थे, वो रिजवान ही शूट कर रहे थे। हमारे तरफ से इस बेचारे लड़के को ऐसा ही सौ रुपए का इनाम, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्ट करा टूर्नामेंट का फर्स्ट डे से लेकर और 40 दिन पूरा श्रेय जाता है। बहुत बढ़िया, रिजवान को सारा श्रेय दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपका। अब इसी क्रम में
हम गुड्डू भाई सब लोग मिलकर उस्ताद आगा को सम्मानित करेंगे। पहले इनको साफा पहनाएंगे। उस्ताद को सम्मानित किया जा रहा है, साफा पहनाया जा रहा है और हमारे राजन सारी पहना रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कलर, बहुत बढ़िया सुंदर मौसम। साफा बांधते हुए हमारे त्रिपाठी जी उस्ताद आगा के तो उधर सर वाली है उस्ताद अनाउंस कर दीजिए, लड़की देखी गई है। बहुत बढ़िया। देखिए धीरे धीरे काम हो रहा, अभी कहेंगे साफा पहनो, फिर कहेंगे लो ये हार भी कहीं कबूल है। अंसार सर आए हुए हैं, अंसार सर ये सब कबूल है, कबूल है, अरे कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ यार पतंगे बोलो ना, कबूल तो है ही है। लगातार यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं बड़े बड़े सज्जन लोग, अंसार सर भी आ गए हैं और ये त्रिपाठी सर साफा बांधते हुए सुंदर हमारे आगा सर को, उस्ताद को और ये शॉल गुड्डू सर पहनाएंगे और ये माला से सम्मानित करते हुए गुड्डू सर शॉल पहनाते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक सफल हो गया, 40 दिन के अंदर ही सफल हो गया। बहुत बढ़िया, सम्मानित करते हुए हमारे सोडी भाई को तालियां बजा भैया। बिलाल भाई ने शॉल पहना के सम्मानित किया। अब इसी क्रम में हमारे सेकंड तो नहीं कह सकते, सिमिलर मेहनत करने वाले अजमी भाई, जवाब नहीं, जवाब नहीं है। पसीना देखिए, पसीने से पता चलता है कितनी मेहनत करी है। मैं अभी ये टूर्नामेंट में घोषित कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जब बिंदी मामा उड़ाएंगे इनका प्राइज मैं अलग से। वाह भाई वाह, चलिए अगली बार के लिए फिक्स हो गया है कुछ ना कुछ। इसी के साथ एक जोरदार फिर से तालियां, तालियां बजा दो भैया। जम से सिधवा ऑल इंडिया टूर्नामेंट और एलकेसीओ के अध्यक्ष हमारे आसिफ भाई, आसिफ भाई चाहेंगे एलकेसीओ के अध्यक्ष, एलकेसीओ के अध्यक्ष हमारे आसिफ भाई जी के लिए और माशूक भाई, सोडी भाई, अंसार भाई, अमन साहब भाई, आ जाओ अंसार सर की तरफ से सम्मानित किए जा रहे हैं हमारे आसिफ सर। सुना नहीं किसी ने, खैर कोई बात नहीं। और सम्मानित किए गए हमारे आसिफ सर अंसार सर की तरफ, आइए और हमारे त्रिपाठी जी सम्मानित करते हुए। त्रिपाठी सर ने सम्मानित किया है यहाँ पे गुड्डे सर को, ये लिए माला बनाइए और पुष्पों का हार पुष्पा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डे सर, इस टूर्नामेंट के दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में अपने यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे तीन योद्धा हैं, हेमंत भाई, किसान भाई, मेरा छोटा भाई संजीव। तो मैं चाहूंगा कि मेरे उस्ताद किसान भाई को आइए, किसान भाई ली जाए, जिशान भाई जिसने लगातार मेहनत किए हैं, एक एक पेज देखना हो तो जिशान के पेज पे देखे, कड़ी धूप में लगातार कड़ी धूप में मेहनत करता रहा, एक एक पेज दिखाता रहा। आइए कहीं भी हो आप बैठे बैठे इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई आप। इस टूर्नामेंट में कोई पतंग आगे फंस जाए या कोई पतंग तार जुड़ा है तो हमारे माधुरी भाई, बिल्कुल माधुरी ने बहुत ही बहुत मेहनत, एलकेसीओ की तरफ से 2000 रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत शानदार 2000 रुपए का पुरस्कार मिला हमारे माधुरी भाई को। निवेदन करूंगा काशी की धरती से चलकर आए हमारे बड़े भाई अजय शंकर तिवारी और गुड्डू तिवारी जी को सम्मानित करते हुए हमारे उस्ताद आगा जी। सेकंड प्राइज के विनर भी है हमारे कॉल साहब की मूनलाइट काइट क्लब, बहुत बढ़िया। सब वीडियो बंद है, क्या कहना चाहेंगे पुराने क्लब के सभी मेंबर्स एक साथ हैं। भाई सोडी भाई ने ऐलान किया कि अगले साल हो सकता है हम लोग फिर से टूर्नामेंट कराएंगे। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। और ये हमारे दिलशाद भाई जी भाई बिरयानी खिलाते हुए सबको, और ये जश्न है, खुशी है मूनलाइट काइट क्लब जो कि सेकंड विनर है इस ऑल इंडिया में। विनर बनते ही पार्टी दी गई है, सभी मेंबर्स आए हैं, स्पीड के तब लगा हुआ है, देख सकते हैं सभी लोग हैं यहाँ पे। ये हमारे दद्दा खड़े हुए हैं, ये हमारे डम्पी भाई, हेमंत भाई, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये पार्टी है, खुशी में, जश्न में पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ये है हमारा लखनऊ, ये हमारी टीम, और ये है हमारा मूनलाइट काइट क्लब। पार्टी देते हुए सभी लखनऊ के बढ़िया प्लेयर्स को, बहुत खुश हैं सब लोग। भाई हम भी हैं। अरे आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष भाई, हेलो, हेलो। देखिए दोनों ही टीमों के प्लेयर हैं, बहुत खुश हैं दोनों ही लोग फाइनल पहुंचने में, और लखनऊ का क्लब लखनऊ में रहने बस। बहुत आइए, अरे सब अपने लखनऊ वाले हैं, आइए शर्माइए ना, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हाँ मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए, लखनऊ में, लखनऊ का कब लखनऊ में है। अब चौधरी भैया थोड़े चलो तारीख पढ़ सकते हैं अपने, कम करना तुम्हारी सीधी हवा में पेच हुआ है। और एक बार आखिरी बार फिर से मूनलाइट को बहुत बहुत शुक्रिया, और विक्की के भाई को जो कि बरेली के मेंबर है, बरेली को बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बचाया लखनऊ का क्लब लखनऊ में रहने के लिए इंटरनेशनल प्रयागराज को बाहर करके। तो आप विक्की भाई क्या कहेंगे, समझिए टूर्नामेंट खत्म, ये आखिरी वीडियो है जो पड़ेगी टूर्नामेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप ही ने कहीं ना कहीं जो लखनऊ का कप था टूर्नामेंट था वो आपने लखनऊ आप ही की वजह से रहा है, क्या कहेंगे बताइए। हमारे कैप्टन बताइए, कैप्टन पप्पू भाई, पप्पू भाई कैप्टन है, कैप्टन है जी भाई, बताइए क्या बताना। हमने कहा लखनऊ बरेली की वजह से लखनऊ का कप लखनऊ में रहा, जो हुआ है हमारे विक्की भाई, विक्की भाई ये वरना फिर कहीं ना कहीं एक वो था कि बाहर भी जा सकता था। उन्होंने आपकी वजह से आज हमारा लखनऊ का कप लखनऊ में यहीं पे, यहीं पे, और ये दोनों का आशीर्वाद है, एक लखनऊ एक बरेली, एक लखनऊ एक बरेली, दोनों का सपोर्ट सपोर्ट है। बहुत बढ़िया बात कही, और जी इंशाल्लाह अगला ओलंपिया हमारे विक्की भाई के साथ भाई सब फिर लड़ा के लड़ाएंगे, विनर होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। फोटो फोटो वीडियो बना लो, फोटो भेज दो।